ड्रग्स हार्ट एंड लंग डिजीजेस इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में टॉप टू किलर्स है। Yes, true. जैसे छोटे बच्चे के दिल में छेद होना, बुजुर्गों के हार्ट वाल्व्स में इश्यूज होना, जैसे एस्थमा, COPD, इन सारे डिसऑर्डर्स में हार्ट एंड लंग साउंड अबनॉर्मल आते हैं और डॉक्टर्स ये साउंड्स और सिम्टम्स के मदद से ये डिजीज का पता करते हैं, लेकिन ये साउंड सुनना उतना आसान नहीं है। आज भी 200 साल पुराने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बड़े मुश्किल से ये साउंड सुनते हैं, वो है गेनास्टेथोस्कोप। टूथपेस्ट के एड से लेकर सारे क्लिनिक्स तक डॉक्टर का पहचान स्टेथोस्कोप से होती है। That's funny. उस स्टेथोस्कोप नहीं लगा तब तक डॉक्टर का फील नहीं आता है। Like मुन्ना भाई MBBS। प्रशांत आप ही बताएं, पिछले 200 सालों में टेक्नोलॉजी बड़ा ग्रामोफोन से लेकर बोर्ड के ईयरबोर्ड तक इतना आगे बढ़ चुकी है, लेकिन स्टेथोस्कोप वहीं के वहीं क्यों? इसलिए 200 साल का पेंडिंग अपग्रेड लेके आए हैं प्रेजेंटिंग आयु सिंह। वाह। शार्क्स, मैं हूँ आदर्श फ्रॉम चिकमगलूर कर्नाटका। नमस्ते शार्क, मेरा नाम तपस है, मैं देहरादून से हूँ। नमस्ते शार्क, मैं हूँ वरद मुंबई से। ये एक नॉर्मल स्टेथोस्कोप है, हमको क्या करना है, सिर्फ चेस्ट पीस रिमूव करना है ऐसे, और ये हमारा डिवाइस है आयु सिंक, ये अटैच करना है। तो देखिए 2 मिनट में कोई भी स्टेथोस्कोप बन गया है डिजिटल स्टेथोस्कोप। इससे हम बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर सकते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर साउंड को बहुत बेहतर तरीके से सुन और देख भी सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस डेटा को लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, मुंबई का कोई डॉक्टर देहरादून के किसी गांव के पेशेंट को भी चेक कर सकता है। हमारे डिवाइस को US पेटेंट भी ग्रांट हो चुका है। शार्क्स, हमारे विजन है कि हम ये टेक्नोलॉजी को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा कर सारे रेगुलर स्टेथोस्कोप को डिजिटल अपग्रेड दे। इसके लिए हमारा आस्क है 1 crore rupees इन एक्सचेंज ऑफ 1.5% इक्विटी। वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। या मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि पेशेंट को टच किए बगैर आप बॉम्बे से देहरादून का पेशेंट कैसे चेक कर सकते हैं, वो मुझे देखना है। सो दिस इज अ डिवाइस और इसमें 2 मोड है, हार्ट और लंग मोड। हार्ट मोड इस कलर से रिप्रेजेंट होता है रेड, ओके, एंड इसमें एक फीचर है डबल टैप जिससे हम लंग मोड भी सुन सकते हैं। मैं पीयूष को बुलाना चाहूंगा, आप यहाँ पे आके मेरी दिल की धड़कन सुनना चाहेंगे पीयूष? बिल्कुल यार भाई, अपनी दिल की धड़कन सुनानी थी, एक लड़की को बुला लेते हैं। पीयूष को क्यों सुना रहे हो भाई? अभी आपको मेरी हार्ट बीट और साथ में नॉर्मल मोड है, मेरी आजू-बाजू की आवाजें भी आपको सुनाई दे रही हैं, वो भी आएगी अभी। अभी आपकी हार्ट बीट सुन रही है, हार्ट बीट है और अब मैं बात कर रहा हूँ उसमें से भी थोड़ा आपको आ रहा होगा। अब अभी मैं इसमें हार्ट मोड लगाता हूँ। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा तो वो आवाज आपको नहीं आएगी, पहले जो आ रही थी। आपकी भी आ रही है पर ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर आ रही है। और लंग्स वाला क्या है? तो आपका सांस का आवाज, सांस का आवाज आ रहा है तो नॉर्मल स्टेथोस्कोप में भी आता है पर क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। सपोज करिए आप ऐसे गांव में हैं और आपको कुछ हार्ट की दिक्कत है और आपको कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है, उसके लिए हमारी ऐप है जिसके थ्रू ये सारा आप कोई भी बड़े जगह है वहां पे साउंड भेज सकते हैं। तो इसमें रिकॉर्डिंग मोड है। ये क्या हो गया भाई, ये लाल क्यों आ रहा है उनके हार्ट में? वो जब रिकॉर्ड होता है हमने इंडिकेशन के लिए लाल लिखा है। अच्छा, ऐसा। ब्लूटूथ है इसमें जिसके थ्रू सारा डेटा यहाँ से इसमें जाता है। बॉटम लाइन इस गांव के डॉक्टर के पास आपका डिवाइस होना चाहिए। Yes. वो डेटा ये ऐप से एक शहर के डॉक्टर के पास जाएगा। Yes, yes, yes. वो एनालाइज करके गांव के डॉक्टर को बता सकता है। बता सकता है। That's how it happens. और अलग अलग पोजीशन में रखना पड़ता है। Yes, yes, yes. जो वो पोजीशन आप फोटो में दिखाते हैं। Yes. बढ़िया। हार्ट में 4 लोकेशन है, लंग्स में 18 locations है। तो पता होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन का साउंड है। ये कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी तक किसने किया नहीं? डिजिटल स्टेथोस्कोप ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्टिंग है। ओके, द डिफरेंस इज इंडिया में इंडियन कॉन्टेक्स्ट अलग है। कॉन्टेक्स्ट क्या अलग है? दिल तो दिल ही है यार। क्या है, इंडिया में एक पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर के पास टाइम नहीं रहता है। सही है। इसके जरिए डॉक्टर का टाइम टू गेट द डायग्नोसिस भी कम है। तो जो चीज है, एक है रिमोट टेलीऑस्कल्टेशन, दूसरा विद इन क्लिनिक भी क्या है, डॉक्टर को अभी सुनते हैं लेकिन उसका फोनोकार्डियोग्राफी कुछ नहीं है डेटा। ओके, हमारे पास डेटा भी, हम दिखाने भी चाहते हैं
एक 5-year-old congenital heart disease का साउंड है। ये देखिए, अब किसी के हार्ट में छेद है तो ऐसी साउंड आती है। तो आपका डिवाइस डॉक्टर को गाइड करता है और इसमें डॉक्टर को हेल्प करता है, तो वो इनपुट लेके उनका डिसीजन भी अलग हो सकता है। अंडरस्टूड। और ये प्रोडक्ट आप दिखा दोगे? श्योर श्योर। ये कौन सा है? ये 2 प्लस है। ये अलग अलग मॉडल्स है क्या? आई मीन वर्जन्स, फीचर्स। वर्जन्स अलग है? हाँ, वर्जन्स अलग है। और सीईओ आप हैं? करेक्ट। और आप दोनों? ये हेड ऑफ हार्डवेयर है, मैं हेड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एनालिटिक्स हूं। और इक्विटी स्ट्रक्चर का स्प्लिट? 43-32-20। वेरी गुड, नाइस। रिमेनिंग वी हैव 1% फॉर द इन्वेंटर इन आईटी बॉम्बे। चलिए एक बात समझाइए, एक सवाल है। आज का जो डॉक्टर है, जो फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिस है, वो कहाँ से खरीदता है स्टेथोस्कोप? खुद खरीदता है या उसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी गिफ्ट करती है? दोनों होते हैं सर। कितना खुद खरीदते हैं और कितना फार्मास्यूटिकल कंपनीज गिफ्ट करती हैं? वो डेटा क्योंकि हमें नहीं पता सर। अच्छा, स्टेथोस्कोप का मार्केट साइज इन इंडिया अराउंड 25 लाख डॉक्टर्स है, फिर 95,000 मेडिकल स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, मार्केट साइज बता दो ना वैल्यू में। हाँ, 25 लाख × 5,000 हर साल थोड़ी खरीदते हैं यार। डिवाइड बाय 5, दैट इज 5 इयर्स, वंस इन 5 इयर्स ये चेंज हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो मतलब 250 करोड़ जितना। उसका प्राइसिंग क्या है? नॉट एमआरपी बट प्राइस टू कस्टमर? 12,000। और आपको बनाने में कितना जाता है कॉस्ट टू मेक? 55% मार्जिन। और अभी सेल कितना हो गया? अभी 5,000 से ऊपर हुआ है। लास्ट मंथ कितना सेल हुआ है? 32 लाख का ये हुआ, उसके जस्ट बिफोर 2.4 सीआर का रेवेन्यू आया उसमें। इस साल अप्रैल से लेके अभी तक का कितना रेवेन्यू हो गया? अराउंड 3 करोड़। पूरे साल में कितना होगा रेवेन्यू? अभी 7 करोड़। ओके, आपका इस साल एबिटा कितना होगा? नेट एबिटा 18%। तो 1.5 करोड़ का एबिटा होगा। Considering existing sales, अगर हमें price और भी कम करके अगर हम push करते हैं तो 1 करोड़। मेरा एक rapid fire है, मैं 4-5 questions पूछूंगी। 1-1-2-2। अरे 1 minute। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने जो ये 5,000 devices बेचे हैं, वो किसको बेचे? उसमें 90% telemedicine companies है, 10% B2C doctors है। Okay, जब आपने B2C doctors को बेचे तो फीडबैक क्या था? इनिशियली फीडबैक्स वाज नॉट रियली ग्रेट बिकॉज अडॉप्शन चेंजेस आर देयर। उसके बाद हमने ओवरकम करके अभी पीपल आर गेटिंग हार्ट साउंड के लिए 9 out of 10, लंग साउंड के लिए 7 out of 10। आपके पास कितने वर्जन्स हैं? 3 वर्जन्स हैं। और ये 5,000 जो बिके वो कौन से वर्जन के बिके? मेजर है मिड वर्जन्स। फंडिंग का क्या करेंगे? कॉम्पोनेंट्स पहले मंगाना पड़ता है, वो 3-4 months के पहले, उसके बाद हम डिवाइस बना के देन वी विल गिव। वो एक चैलेंज है। तो आप उसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे? करेक्ट। मेरे लिए यू नो ये फंडामेंटली एक B2B बिजनेस है, जो जहां यू नो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स आपका कोर मार्केट होगा। ये मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो मैं इससे अभी आउट होना चाहूंगी। और मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूं। मेरे को लग रहा है प्राइस थोड़ा हाई है, थोड़ा नहीं बहुत हाई है। That is the MRP जो आपने देखा। कितने पे बेचते हो आप normally? Normally वो होते हैं 13,000-14,000। वो भी high है। एक ना mass adoption की तरफ लेके जाना है ना, तो उससे आपकी adoption बहुत तेज हो जाएगी। कर, और कर, अगर थोड़े doctors use करना शुरू करेंगे ना, तो देखा देखी बाकी doctors भी कर देंगे। उसके लिए fund चाहिए sir वही। हाँ समझ गया, but उसकी तरफ move करो, वो मेरी advice होगी। अभी इसके लिए मैं out। आप innovation तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये एक solution है जो problem ढूंढ रहा है। मुझे मार्केट थोड़ा छोटा लग रहा है और मुझे ये भी लगता है कि डॉक्टर्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है हैबिट बदलने में। और ये जो मेरे बगल में बैठी है ना, ये मेडिकल ड्रैगन है। तो मेडिकल की कोई भी बिजनेस आती है ना, तो मेरे जवाब छोड़ो, मेरे को बात करने को नहीं मिलता। तो इस वजह से आप ये देवी से बात कीजिए, फार्मा से, ये जो कहेगी।50 lakh in debt at 12% interest,
और अगर नमिता आप मेरे साथ जुड़ना चाहती हैं तो आई विल बी मोर देन हेल्पफुल बिकॉज़ आई थिंक दे कैन यूज योर हेल्प। वैसे तो मैं डॉल्फिन हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट जब एक अच्छी हेल्थ के डील्स आती है ना मेरे अंदर का शार्क बाहर निकल आ जाता है। तो ये डील मैं करूंगी तो सोलो करूंगी। करो करो। Because I need a higher stake and I'll tell you why. इसमें तीन एरियाज में especially बहुत काम। First is manufacturing cost आपको कम करना है और pricing कम करना है। तो second point is आपको एक strong team बनानी है, sales team, business development team, and then of course the third is इसके लिए एक बहुत education awareness की जरूरत है। And ये बहुत बहुत बड़ा market है, you know that. तो मैं आपको ऑफर देती हूँ 50 लाख फॉर 4% एंड 50 लाख इन डेट एट 10% इंटरेस्ट। बट द पॉइंट इज आई नीड सम स्किन इन द गेम बिकॉज इसमें अगर मैं इतना काम करूंगी तो 4% इज नथिंग। चलिए दो ऑफर है आपके पास, आपको क्या करना है डिसाइड कीजिए, बाहर जाइए बात कीजिए, लेट अस नो क्विक। Oh my God. बहुत दिनों बाद हेल्थ केयर डील आई है और हेल्थ केयर डील देख के मैं पागल हो जाती हूँ। आप ले लो। फिर मुझे किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है। चलिए गाइस वेलकम बैक। क्या डिसाइड किया, डील लेके जाएंगे कि नहीं? शख्स थैंक यू फॉर द ऑफर, एक काउंटर ऑफर है फॉर 3.5%। क्यों, मतलब 0.5 का क्या लॉजिक है? फ्रॉम बिकॉज वो 0.5 भी हमें बहुत फर्क पड़ता है। दे दो नमिता, दे दो। ठीक है चलो डन। आई लाइक टू कीप माई फाउंडर्स हैप्पी। थैंक यू, वेल डन। अभी एक काम कीजिए, ग्रेट प्रोडक्ट लेके जाओ इनको चेक के साथ। लवली, विल मेक दिस बिग, वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। कांग्रेचुलेशंस गाइस एंड आई थिंक यू हैव डन अ गुड जॉब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.